आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सुच्चा सिंह छोटेपुर ने पहले ही बड़ी बगावत कर रखी है, अब नवजोत सिंह सिद्धू ने भी नई पार्टी का ऐलान कर केजरीवाल को बैकफुट पर ला दिया है। माना जा रहा है कि आज सुच्चा सिंह भी अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे। ऐसे में आम आदमी पार्टी अपनी से ही घिरी नजर आ रही है। पार्टी पर पहले ही पैसे लेकर टिकट बांटने के आरोप लगे हैं। अब जब पुराने साथी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं तो विधानसभा चुनाव से पहले ही आप में खलबली मची है। यही वो तस्वीर है जिसने आम आदमी पार्टी की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। इसी तस्वीर ने केजरीवाल की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। दिल्ली के बाद पंजाब में नजरें जमाए आम आदमी पार्टी अब अपने ही घर में घिरी नजर आ रही है। दावा तो अकाली बीजेपी गठजोड़ और कांग्रेस से निपटने और उन्हें चारों खाने चित करने का है, लेकिन अब इन दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वजह है पूर्व बीजेपी सांसद नवजोत सिंह सिद्धू का नई पार्टी बनाना, साथ ही केजरीवाल के खासम खास रहे सुच्चा सिंह छोटेपुर का भी उनका साथ छोड़ना। दरअसल पंजाब विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल अकाली बीजेपी गठजोड़ के खिलाफ एक सशक्त चेहरा ढूंढ रहे थे। सिद्धू इन्हीं चेहरे में से एक थे, लेकिन केजरीवाल और सिद्धू के बीच बात पूरी तरह से बनी नहीं और अब सिद्धू की नई पार्टी बनाने के फैसले ने केजरीवाल को तगड़ा झटका दे दिया है। केजरीवाल इस झटके से पूरी तरह से उबरे भी नहीं कि सुच्चा सिंह की बगावत ने उन्हें और परेशानी में डाल दिया है। माना जा रहा है कि सुच्चा सिंह भी आज एक नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी सुच्चा सिंह और सिद्धू की बदौलत ही नया पार लगाने की कोशिश में जुटी थी, लेकिन दोनों ने करीब करीब आप से किनारा कर लिया है। आवाज़-ए-पंजाब पंजाब के लोगों का एक रीजनल प्लेटफॉर्म है, स्टेट का, उन लोगों के लिए जिनके मन में ऑनेस्टी है, लोगों को सर्व करने के लिए, कंट्री को सर्व करने के लिए, सूबे को सर्व करने के लिए, जिनके मन में एक देशभक्ति है। पांच लोग हैं, पांच चौकीदार हैं, हम लीडर नहीं हैं। पांच चौकीदार इकट्ठे हुए हैं पंजाब का चौकीदारा करने के लिए। पांच चौकीदारों ने लोगों की दुआओं के साथ एक सच्चाई की क्षमा रोशन की। मैंने तो बहुत बार बोला है वन मैन आर्मी है, वो अकेला ही देश में ईमानदार आदमी है और किसी को ईमानदार नहीं समझता, सबसे इंटेलिजेंट भी अपने आप को समझता है। मैं समझता हूँ कि केजरीवाल को अपना सेल्फ मंथन करना चाहिए, भाई सारे लोग खराब हैं या मेरे में भी कोई कमी है। अगर कोई आदमी ये सोच लेता है कि मैं ही सबसे अकल वाला हूँ, मैं ही सबसे ईमानदार हूँ, जब ये सिर पे चढ़ जाती है ना, घर में रहता है घर का नुकसान करता है, किसी पार्टी में होता है तो पार्टी का नुकसान करता है। केजरीवाल की सबसे बड़ी दिक्कत पंजाब में सिद्धू और सुच्चा सिंह की लोकप्रियता है। सुच्चा सिंह ही वो शख्स हैं जिन्होंने पंजाब में आम आदमी पार्टी की नींव रखी और उसे मजबूत किया। सुच्चा सिंह की नाराजगी ने केजरीवाल की पार्टी में दो पाड़ करना तय कर दिया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के 13 जोन में से 7 पदाधिकारी खुलकर सुच्चा सिंह छोटेपुर के समर्थन में आ गए। चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 7 जोन के पदाधिकारियों ने इल्जाम लगाया कि पार्टी ने पैसा लेकर टिकट बेचा, फिर ऐलान किया कि अब ये सब मिलकर नई पार्टी बनाएंगे। इसका नाम होगा आम आदमी पार्टी पंजाब और इसके नेता होंगे सुच्चा सिंह छोटेपुर। छोटेपुर के साथ आने वाले 7 जोनल पदाधिकारियों में फिरोजपुर, अमृतसर, श्री आनंदपुर साहिब, गुरदासपुर, जलंधर, भटिंडा और खडूर साहिब शामिल हैं। सुच्चा सिंह छोटेपुर आज श्री हरमिंदर साहब आने वाले हैं। वहां आम आदमी पार्टी से बगावत करने वाले 7 जोनल पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि यही सुच्चा सिंह अपनी नई रणनीति का खुलासा भी करेंगे। बिल्कुल वन मैन शो और जेड़ा वन मैन शो जिथे भी हुंदा उथे यही हाल हुंदा है। लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए, लोगों का सलाह मशवरा लेना चाहिए। ये मत सोचना चाहिए कि मेरे से ईमानदार और कोई नहीं है या मेरे से कोई इंटेलेक्चुअल और कोई नहीं। मैंने जो भी फैसला करना है, जिन लोगों ने मेरी जिंदगी बचाई है, पॉलिटिकल लाइफ मेरी सेव की है, मैंने उससे पूछ कर करना है। अपने आप कोई फैसला नहीं करना, मैं किसी एक का नहीं हूँ, मैं लोगों का हूँ। मैं घर वालों को भी बोल दिया है कि मैं जो जिंदगी का बकाया समय है, मैं जो लोग कहेंगे वही करूँगा। निश्चित रूप से छोटेपुर जी हमारे पार्टी में हैं, वो पार्टी से कोई निष्कासित नहीं किए गए हैं, तो उनसे मुलाकात करना कोई गलत या कोई अनैतिक काम थोड़ी है। उनसे निश्चित रूप से हमारी मुलाकात हुई थी, बातचीत भी हुई थी। अब छोटेपुर जी के बारे में किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक टिप्पणी मैं नहीं करूंगा और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो भी उनका निर्णय होगा, उनके निर्णय के सामने आने के बाद तब आप कोई प्रतिक्रिया लेंगे, कोई प्रतिक्रिया दूंगा। अभी तो पार्टी के अंदर है।